कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 8 महीने में 5वीं बार छत्तीसगढ़ पहुंचे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री खड़गे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ रायगढ़ के कोड़ा तराई में आयोजित भरोसे का सम्मेलन में शामिल हुए। भरोसा के सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़ में झूठ बोलकर जाते हैं। वहीं मुख्य अतिथि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के खिलाफ हमला करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को झूठों का सरदार बताया। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी लोगों को बेरोजगार रखने की होती है। मुख्यालय हमारे रायगढ़ में आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब आए हैं। खड़गे साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने के बाद सबसे पहले रायपुर में राष्ट्रीय महाधिवेशन कांग्रेस के हुई और विधिवत रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष के पदभार ग्रहण करे और तब से जिन छत्तीसगढ़ में उकर लगाव है। आज देखा था खड़गे साहब पहली चांपा जांजगीर रही, फिर राजनांदगांव गए, उकर बाद बलौदा बाजार भाटापारा इन और आज रायगढ़ में आए हैं। तो आप सब से निवेदन एक बार जोरदार ताली बजा के खड़गे साहब के स्वागत करो, अभिनंदन करो। अभी होकर हाथ से गुरु घासीदास जी के प्रतीक जय सतनाम पंथ चले और हमारे गांव गांव में जैत खाम की स्थापना हो है। आज 82 ब्लॉक में मॉडल जैत खाम के निर्माण के शिलान्यास करीस, उकर पर भी खड़गे साहब ला बधाई देता हूं और आप सब से एक बार जोरदार नारा लगाया का आग्रह करता हूं। बोलो गुरु घासीदास बाबा की। ये सत्य के रास्ते में चलना है, ये संदेश गुरु घासीदास बाबा के। सत्य के रास्ते में चले के बात ला महात्मा गांधी भी कहे। आज हमर राहुल जी सत्य के रास्ते में चले बर पूरा पद यात्रा करी कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक के और ये सत्य के रास्ता ही कांग्रेस के रास्ता है। और कांग्रेस हमेशा प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री से लेके मनमोहन सिंह तक जतेक भी हमारे प्रधानमंत्री बने, लाल बहादुर शास्त्री जी, इंदिरा जी, राजीव जी, नरसिम्हा राव जी, मनमोहन सिंह जी, सब के उद्देश्य ये रही से कि हिंदुस्तान के जनता कैसे ताकतवर बना, कैसे गरीब आदमी के जीवन में परिवर्तन लान, कैसे हमारे युवा साथी मन पर रोजगार के व्यवस्था करन, कैसे महिला मन आत्मसम्मान के साथ अपन जीवन व्यतीत कर सके, ये कर भर लगातार चाहे संविधान के लोकसभा में हो, सरकार के माध्यम से हो, चाहे संवैधानिक व्यवस्था करके हो, लगातार अधिकार देख काम करीस। और वही रास्ता में चलते हुए छत्तीसगढ़ सरकार आज न्याय के बात कर रहे थे, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, भूमि श्रमिक न्याय योजना और कर साथ जिन जंगल में हमर रही थे, चाहे बस्तर हो, सरगुजा हो, रायगढ़ हो, कोरबा हो, चाहे गरियाबंद हो, सब जगह लघु अनुपज खरीदे की व्यवस्था होकर साथ न्याय करे के काम हमार सरकार करत है। तो एक तरफ अधिकार संपन्न करे के काम करत है, एक तरफ किसान के ऋण माफी करे के काम होते है, उन्हें 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदे की व्यवस्था होते है। थोड़ा शांत रहो जी, क्या हो गई, बैठा बैठ जा, बैठ जा, शांत रहो। तो एक तरफ झूठ बोले के काम, अभी प्रधानमंत्री जी रायगढ़ आ रही से, एकर पहले रायपुर आ रही से, कल वह जगदलपुर में रही से और जगदलपुर में वो भाषण दीस जेकर बारे में अभी दीपक बैज जी आदरणीय टीएस सिंहदेव जी अपन भाषण में केस के केंद्र सरकार धान खरीद थे। अब एकर ले बड़े लबारी अब का हो सकते, लबारी मारिस कि नहीं मारिस? यदि वो धान खरीद थे
तो मैं उकर से सवाल पूछना चाहता हूं, 2014 में आप प्रधानमंत्री बने, रमन सिंह मुख्यमंत्री री से, डबल इंजन के सरकार री से, तो बोनस लदे पर बंद काबर कराया, उसी समय बोनस बंद हो रही कि नहीं हो रही से वही ना, और वही समय जेमे 10 क्विंटल खरीदे के आदेश कर रही से प्रति एकड़ हो रही कि नहीं हो रही से, और ओकरे शासन काल 2017 में जिन सबसे कम धान खरीदे हुए 56 लाख मीट्रिक टन, तो ये लगातार झूठ बोले के काम कर रहे थे। और जब ले हमार सरकार आए, कांग्रेस की सरकार आए, किसान और मजदूर मन के सरकार आए, पहली साल ही 82 लाख मीट्रिक टन, दूसरा साल 84 लाख मीट्रिक टन, तीसरा साल 92 लाख मीट्रिक टन, चौथा साल 107 लाख मीट्रिक टन, और ये साल जिन धान खरीदी हुई तेन जाहि 125 लाख और 130 लाख मीट्रिक टन। काबर रायगढ़ के किसान भाई मानो कह रही से पिछले साल जब आ रहे हैं भेंट मुलाकात कार्यक्रम में, दो बात की इस किसान मना, पहली बात की इसका धान उत्पादन ज्यादा होतेगा, 15 क्विंटल अब खरीदा होकर बाद जते धान हम 1200-1300 रुपए में बेचता और 20 क्विंटल कर दे, कह रहे कि नहीं कह रहे। और छत्तीसगढ़ के सरकार, किसान के सरकार ये साल फैसला करे कि 1 नवंबर के प्रति क्विंटल 20 क्विंटल खरीदी, प्रति एकड़ 20 क्विंटल, और ओकर स्थिति धान खरीदी 130 लाख मीट्रिक टन जाए, धान के रकबा बढ़ गए, किसान के संख्या बढ़ गए, उत्पादन भी बढ़ गए, अब श्रेय लूटे बरे मन आ गए। चाउर के 86 लाख के हम अल्ला देरी से मीट्रिक टन के 61 लाख कर दी, ऐसा डबल इंजन की सरकार, फिर वो कितने लघु उपज हमन खरीदन, लघु उपज ले ते खरीद, तो गुजरात में 5 साल में 11 करोड़ 81 लाख रुपया भर के लघु अनुपज खरीदे हैं, डबल इंजन की सरकार, मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार, वहां 5 साल में कतका लघु अनुपज खरीदे है 15 करोड़, और छत्तीसगढ़ में कतका हो है 388 करोड़, देश के 3/4 लघु अनुपज छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा खरीदी होते, तेंदु पत्ता सबसे ज्यादा कीमत कहूं मिलते तो छत्तीसगढ़ में मिलते, और ये मन तो जिन लघु अनुपज संग्राहक है, तेंदु पत्ता संग्राहक है, तेकर मन के बीमल भी बंद कर दी, हम शहीद महन कर्मा के नाम से बीमा योजना शुरू करें, और ओकर माध्यम से अभी तक के ओमन लाभ दे के काम करें, ओकर लाभ 12.5 लाख लघु अनुपज संग्राहक मने कर लाभ उठा थे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यही रायगढ़ में आके मोदी जी झूठ बोल के चल दी कि गोबर खरीदी में घोटाला हो थे, भाजपा के संगवारी मन के थे 1300 करोड़ रुपए घोटाला हो, और गोबर कतका खरीदे हैं अभी 3 साल में 271 करोड़, तो 271 करोड़ के गोबर खरीदी में 1300 करोड़ के घोटाला कैसे हो जाए। ये छत्तीसगढ़ का जो सम्मेलन, भरोसे का सम्मेलन हो रहा है, जिसमें हमारे सभी नेताओं ने इसमें भाग ली, तो ऐसा सम्मेलन शायद देश के किसी कोने में या किसी भाग में नहीं हुआ। ये पहली बार है कि हर जगह ये भरोसे का सम्मान यहां छत्तीसगढ़ में हो रहा है, और इसका नेतृत्व भूपेश बघेल जी कर रहे हैं। मेरा एक सजेशन है, जरा सोच के आप देखिए,
कि भरोसे का सम्मेलन के बजाय भरोसे का अनुष्ठान सम्मेलन अगर कहे तो बहुत बड़ा होगा, क्योंकि सिर्फ भरोसे का सम्मेलन बोले तो सिर्फ भरोसा दिए उसका सम्मेलन ऐसा अर्थ निकलता है मेरे हिसाब में, क्योंकि मेरी हिंदी जरा कमजोर है ना। लेकिन ये भरोसे का अनुष्ठान सम्मेलन तो ये अनुष्ठान करके लोगों को पैसे देकर, महिलाओं को मदद करके, विद्यार्थियों को मदद करके, युवाओं को मदद करके, किसानों को मदद करके अनुष्ठान होने के बाद ऐसे सम्मेलन हर जगह हो रहे, तो ये अनुष्ठान सम्मेलन बहुत भारी संख्या में चल रहा है। तो इसीलिए मुझे खुशी है और मेरी अध्यक्षता में कांग्रेस के 85 महाधिवेशन छत्तीसगढ़ में हुआ, ये मेरे जीवन में भी एक नया इतिहास यहां पर आपने स्थापित किया। इस भाजपा सरकार नगरनार स्टील प्लांट का जो प्राइवेटाइजेशन करना चाह रही है, अभी उसका जिक्र भूपेश बघेल जी ने किया, अगर नगर नार स्टील कारखाने जो 2009 में अप्रूव हुआ था लेकिन मोदी सरकार उसको आगे नहीं बढ़ा रही, क्योंकि ये सब प्राइवेट को देना चाहते हैं मोदी जी, क्योंकि जब प्राइवेट को देंगे तभी उनको कुछ मिलेगा, अगर सरकार करेगी तो गरीबों को मिलेगा। इसीलिए ये जो है स्टील प्लांट, इसको मजबूती के साथ आप लड़ना होगा और इसको बना के आप बताना होगा, क्योंकि इसका फायदा गरीबों के लिए है, करोड़ों रुपए का यहां पर व्यवहार होता है और युवकों को नौकरी मिलती है। इसीलिए ये जरूरी है कि पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट इसको चलाए और मजबूती के साथ अगर इसको चला दिए तो हजारों लोगों को इसमें नौकरी मिलेगी।